सामने एक्सेप्ट नहीं कर रही थी ना कि तू ही परी है, तो उन्होंने तेरे फिंगरप्रिंट्स मैच करवा लिया। सेठ ने अभी नीति को बताया कि वो कुरियर वाला ना फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट्स लेके अभी नीति के घर आने वाला है। नीति और राजीव एक दूसरे के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं यहाँ पर। भाई बार बार नीति वही बोल रही है कि मुझे परी के ना फिंगरप्रिंट्स मिल गए और देखो मैं प्रूफ करके रहूंगी कि ये परी है। यहाँ पर जिस ग्लास में हाथ लगे होते हैं ना परी के, वो और दिलजीत मिलकर लैब में ले जाते हैं और यहाँ टेस्ट वगैरह कराते हैं और पता लगता है कि हाँ भाई ये तो परी के ही है। बबली भाई थी, मैं परी के साइन लेके बाहर निकला तो मैं बबली और पार्वती की बातें सुनने के लिए, आई मीन परी की बातें सुनने के लिए वही रुक गया। तो बबली बबली पता क्या कह रही थी? बबली कह रही थी कि पार्वती और परी के साइन बहुत मिलते हैं, निशान है और ये परी के ही फिंगरप्रिंट्स है। अब ये सारी चीजें लेकर ना वो घर आ जाती है और यहाँ पर डॉक्टर बोलता है कि मैं आपको ना मेल कर दूंगा कुछ ही देर में रिपोर्ट, और मेल का वेट कर रही होती है। अब ये उसने उसे कई बार परी भी कहा, तब ये सो कॉल्ड पार्वती ने बिल्कुल भी ओवर रिएक्ट नहीं करा, बल्कि उससे बड़े प्यार से बात करी, उसे गले से लगाया। और ये सब ना नीति राजीव घर वाले सारे इकट्ठे कर लेती है, वो यहाँ पर अंबिका को भी बुला लेती है, परी को भी बुला लेती है और परी को भी धमकी वमकी दे रही है कि देख आज मैं तेरे संग क्या करने वाली हूँ। वही हमने इससे पहले देखा भी था कि बरसी में भी उसने बहुत नाटक किया था, यहाँ पर परी की बरसी हो रही होती है लेकिन यहाँ पर परी ने अपनी बरसी की जगह, चाची जी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और सुना है, क्या करा मेरी बात सुनोगी तो हिल जाओगी। बाऊजी की बर्ची करा देती है और सब लोग प्रसाद वगैरह भी खाते हैं, उसकी माँ अपने हाथों से खाना बनाती है, वो परी को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर राजीव के संग बैठ के खाना वाना भी खा रही होती है और राजीव और उसकी थोड़ी सी नजदीकियां भी बढ़ती जा रही है, लेकिन परी ये चाहती नहीं है क्योंकि परी तो राजीव से बदला लेना चाहती है ना। तो यहाँ पर भाई राजीव पास आने की कोशिश कर रहा है कि अपनी हरकत से बाज नहीं आता। वो फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट कहाँ है, आई क्यों नहीं अब तक, आ जानी चाहिए थी ना। ये पता करने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये परी है या कोई और है, वाकई में पार्वती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि परी है। तो यहाँ पर वो भाई बातचीत करने की भी कोशिश करता है उसको, उससे एक बार बोलता भी है कि मैं आपको घर छोड़ाता हूँ, तो यहाँ पर परी गुस्सा कर देती है, बोलती थी कि नहीं मैं अपने आप चली जाऊंगी। यहाँ पर पार्वती के चक्कर में कूरियर वाला है, अब सबसे पहले उसे मेरे पास भेजेंगे। ठीक है दीदी, वो भी बात, वो कह रहा आधे घंटे में कूरियर से रिपोर्ट भिजवा देगा, उसमें तो टाइम लग जाएगा ना बहुत। नहीं नहीं उनका रूल क्या है, टाइम है ना कूरियर वालों के साथ, जल्दी आ जाएगी रिपोर्ट। में ना राजीव ने नीति से शादी भी तोड़ दी है, मतलब अभी वो शादी करने को मना कर रहा है क्योंकि नीति ने जिस तरह की हरकतें की है ना भाई, उसकी तो डील भी कैंसिल होने वाली थी, वो बार बार यही कह रही थी कि परी है परी है। तो आज के एपिसोड में हम देखने वाले कि किस तरीके से फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे और यहाँ पर भाई नीति ये बोलेगी कि फिंगरप्रिंट्स इसी के हैं, लेकिन अब जिस मेल का वो वेट कर रही होती ना वो मेल कहीं गायब हो जाता है, वो मेल आता ही नहीं है और बीच में अंबिका इस मेल को सारा गायब कर देती है, मतलब अंबिका और परी का प्लान कामयाब हो जाता है और यहाँ पर नीति का प्लान दोबारा से फेल हो जाता है। अब देखते हैं किस तरीके से पर नीति अब और क्या करती है, क्योंकि भाई नीति को तो यही प्रूफ करना है ना कि ये परी, और यहाँ पर परी को बदला लेना है नीति और राजीव से।